Palanpur was a typical village. Their day-to-day life was sustainable and people had good relationships with each other. Then came COVID-19 as a storm to their livelihood. Due to their own carelessness, many were affected and were diseased. Hey Arya, do you have any idea if COVID-19 really affected them? And if yes, then how? It is obvious that COVID-19 affected them negatively. Let us see what they are going through. भाई साहब, ये कोरोना ने तो नाक में दम कर रखा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। आर्थिक स्थिति भी खराब हो चली, आमदनी का भी कोई जरिया नहीं है। हमारे गांव से शहर गए मजदूर भी अब वापस आ रहे हैं। हाँ सरपंच जी, हाल बेहाल है हमारा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत चिंताजनक है। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? कोरोना नाम की चीज भारत में कभी आई ही नहीं। ये सब बकवास बेकार चीज है, आप चिंता मत करिए। ये एक सरकार की चाल है, हमारी MSP कम करके वो पैसे इन PPE किट्स और बाकी के फालतू चीजों में खर्च करने की। बकवास है सब, चिंता मत करिए आप। क्या आपको पता नहीं, रमेश का शहरी बेटा इसी बीमारी से तड़प कर चला गया और आपने अभी तक इससे सबक नहीं लिया? याद रहे, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो कई हमें कोरोना से भी घातक बीमारी का सामना ना करना पड़े। आपकी चिंता सही है सरपंच जी। It is obvious that the villagers think that COVID-19 is some type of a scam which was designed by the government for affecting their sustainability. This mentality can be termed as toxic, cause it does nothing but spread the narrative of not taking precautions. Few ladies go to the market to buy their daily essentials without wearing a mask, and then they start gossiping. They throw away vegetable peels in the drain itself, hence water starts clogging and it gets contaminated. Similarly, few children were careless enough to throw the chips wrappers in the same drain. As the area got contaminated, eventually mosquitoes started breeding in the stagnant water. रमेश का बेटा शहर से घर लौट जाता है। नमस्ते सरपंच जी। सरपंच जी, मुझे कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं, सरदर्द भी है, सर्दी भी है और जोड़ों में दर्द भी है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आपने कोविड टेस्ट करवाया? जी टेस्ट तो किया पर रिपोर्ट नेगेटिव आया। सरपंच जी, मेरे बेटे को भी कुछ दिनों से बुखार है और उसकी आंखें लाल हो गई है, उसे कुछ रैशेस भी हो गए थे। रमेश, तुम्हारा बेटा हाल ही में शहर से लौटा है ना? जी, उसने मुझे कहा था कि। क्या हुआ रमन बेटा? पिताजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। Arya, what do you think is happening now? Symptoms for a new virus. Let us discover. डॉक्टर जी, मुझे कोविड से कुछ अलग सिम्टम्स हैं। जी, आपको जीका वायरस नामक विषाणु ने अफेक्ट किया है। वाव आर्या, यू आर राइट। जीका वायरस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस व्हिच इज स्प्रेड टू मॉस्किटोज कॉल्ड एज एडीज व्हिच बाइट इन द मॉर्निंग। पीपल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट जीका वायरस एंड आर ईगर टू नो मोर। क्या जीका वायरस? सरपंच साहब, मोहन जी का देहांत हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि उनकी मृत्यु का कारण जीका वायरस है। लगता है मुझे किसी डॉक्टर को यहाँ बुलाकर गांव वासियों को इस नए वायरस के बारे में शिक्षित करना होगा। मैडम जी, हमारे गांव में कुछ लोगों को कोरोना से कुछ अलग ही लक्षण दिख रहे हैं, जैसे कि सर दर्द, बदन दर्द, लाल आंखें और भी बहुत कुछ। जी, आपका गांव जीका वायरस नामक विषाणु के चपेट में आ चुका है। यह वायरस केरला, गुजरात और महाराष्ट्र में अपनी जड़ें जमा रहा है। अगर इसे अभी नहीं रोका तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन।
Will anyone decide to give information about this situation? The doctor decides to spread awareness about Zika virus. Let us see how it goes. आप सभी के गांव में जीका वायरस नामक विषाणु अपनी जड़ें जमा रहा है। जिस प्रकार आपने कोविड को कंट्रोल किया था, उसी प्रकार आपको जीका वायरस को भी कंट्रोल करना है। जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है, इसलिए आप सभी को यह ध्यान रखना है कि अपने आसपास के घरों में पानी जमा न होने दें। लिविंग इन अ सिटी और ट्रैवलिंग टू अ प्लेस वेयर जीका वायरस इज नोन, मेक श्योर यू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप टू रिड्यूस डाउन द रिस्क ऑफ मॉस्किटो बाइट्स। First, ensure that the house is mosquito-free. Ensure that there is no stagnant water in and around the houses. Use insect repellent medicines or appliances. Use only clinically tested ones that can be used to apply on clothing, shoes, camping gear and bed netting when you go into mosquito-infested area. Wear a long-sleeved shirt, long pants, socks and shoes. Doors and windows are well ventilated, but disallow the entry to mosquitoes and insects by using fine nets and wire meshes on doors or window frames. Consider sleeping under a mosquito bed net, especially when you are outside. Insect bite prevention is sensible at all times. However, you are most at risk from malarial mosquitoes from dusk to dawn. Before dusk, cover exposed skin with long sleeves, trousers, and wear socks. Use an insect repellent. Formulas with at least 30% DEET have proven effectiveness. Spray your room before retiring. Sleep in a screened room. And if available, utilize the air conditioning and fan. Use a net, checking there are no gaps.